टोक्यो में पुरुष हॉकी टीम की सेमीफाइनल में हार हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। टोक्यो ओलंपिक 2020 पुरुष हॉकी टीम की सेमीफाइनल में हार। सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी टीम इंडिया। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया है और शुरुआती बढ़त के बाद भारतीय टीम पिछड़ गई। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय टीम खेलेगी। तो ये बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम को सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि बेल्जियम की टीम ने भारतीय हॉकी पुरुष टीम को सेमीफाइनल में पछाड़ दिया है। भारत को 5-2 से बेल्जियम की टीम ने हरा दिया। शुरुआती बढ़त देने के बाद भारतीय टीम पिछड़ गई। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए टीम इंडिया खेलेगी। तो गोल्ड की रेस से भारतीय पुरुष हॉकी टीम बाहर हो गई है और अब ब्रॉन्ज के लिए भारतीय टीम को अपना मुकाबला खेलना है। सेमीफाइनल में 41 साल के बाद भारतीय टीम ने अपनी जगह पक्की की थी और अब बेल्जियम से भारतीय टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। 5-2 से भारतीय टीम बेल्जियम से हारी है।